हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नेट का लहंगा बनाना। तो नेट का फैब्रिक मैंने ये सीक्वेंस वर्क का फैब्रिक लिया है 4 मीटर, और इसके लिए मैंने लाइनिंग भी ली है ये 4 मीटर। ये साटन का फैब्रिक लिया है और इसमें हम इस लेस का यूज करेंगे और एक इस लेस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह 2 बार, 4 मीटर फैब्रिक है उसको 1 बार होल्ड किया और फिर 2 बार होल्ड किया। तो इस तरह हमने 4 लेयर में उसको बिछा लिया है लंबाई में 2 बार फोल्ड करके। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारी 4 कलियां एक साथ कट हो जाएंगी। तो ये हमारे कपड़े की विड्थ है, और विड्थ में हमारा ये फैब्रिक देखिए इतना प्लेन आ रहा है दोनों साइड में। इस तरह थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमारा प्लेन आ रहा है, और हमारी जो लंबाई है लहंगे की वो हमें यहाँ 41 इंच लेनी है। तो ये हमारी 41 नहीं आ, केवल 36 आ रहा है, क्योंकि ये फैब्रिक प्लेन आ रहा है दोनों साइड में, फिर कली आधी प्लेन हो जाएगी। तो इस तरह से हम नापेंगे इस साइड में, तो ये हमारा आ रहा है 14 इंच। तो हम इसी साइड से कलियाँ कट करेंगे, तो 14 इंच आ रहा है। तो इस तरह हमारी कलियाँ निकल आएंगी, क्योंकि हमारी जो लहंगे की लंबाई है वो है 41 इंच, और इसमें से हमें 2 इंच कम करेंगे बेल्ट के लिए। 41 इंच हमारी लहंगे की लंबाई है, तो 2 इंच बेल्ट के लिए कम कर देंगे उसमें, तो बचेगा 39 इंच। तो 39 में 1 इंच आपको सिलाई के लिए लेना है, तो फिर 40 इंच हो गया। तो इस तरह से ये हमारा 40 इंच हमें लेना है, तो ये पूरा फिक्स आ रहा है हमारा। और अब मेरी कमर का मेजरमेंट है वो यहाँ पे है 51 इंच, और कलियाँ हमें बनानी है 20, 20 कलियाँ हम बनाएंगे। तो एक कली की हमें इसमें चौड़ाई निकालनी है ऊपर की कितनी आएगी, तो 51 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 इंच की लगभग एक कली आएगी। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है सिलाई के लिए, तो आधा एक पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, तो हम 3.5 इंच ऊपर से लेंगे एक कली। और नीचे की जो चौड़ाई है कली की वो मैंने 10 इंच ली है, 1 इंच लाइन में चले जाएगा, तो 9 इंच की नीचे से चौड़ाई बचेगी हमारी। तो हम 10 का दोनों साइड में ऊपर और नीचे की तरफ पहले निशान लगा लेते हैं। प्लेन फैब्रिक को मैंने छोड़ दिया है किनारे से, और फिर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें ऊपर की कली की चौड़ाई निकालनी है, तो 20 कलियां बनाएंगे। कमर हमारी 51 है, तो 20 से हमने 51 को डिवाइड किया, तो 2.5 इंच की लगभग हमारी निकल आएगी कली। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, 3.5 इंच की एक कली ऊपर से रखेंगे। तो पहले हमने 10 इंच का मिड पॉइंट ले लिया, 5 इंच। अब 3.5 को थोड़ा सा ज़्यादा, आधा पॉइंट ज़्यादा आएगा 3.5 में, तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, हम 3.5 ही लेंगे। तो 3.5 को हमें दोनों तरफ ऐसे 3.5 तक इंची टेप को ऐसे आप फोल्ड कर लीजिए, और मिड पॉइंट से दोनों साइड में निशान लगा लीजिए इस तरह से बराबर से। जो मिड बीच का कली का हमने पॉइंट निकाला है उससे हमें दोनों साइड 3.5 इंच का ये निकालना है, दोनों साइड बराबर पॉइंट करके। अब यहाँ से ऊपर से नीचे तक हम पूरा इसको, पहले हम नीचे की तरफ थोड़ा सा कली को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने से हम बॉर्डर लगाते हैं, तो वो हमें ज्यादा झोल नहीं आता है लगाने में, अच्छे से लग जाता है। और फिर हम ऊपर से और नीचे तक इसको मिला देंगे। हमने ऊपर कली की चौड़ाई का पॉइंट लगाया है, और वहाँ से नीचे की कली का पॉइंट लगाया, वहाँ तक इसको मिला देंगे इस तरह से, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये 4 कलियाँ हमारी एक साथ कट हो जाएंगी। अब हम इस कली को उठाएंगे और इसको इसके अपोजिट रखेंगे। जैसे कमर पहले हमने उस साइड से निकाली थी, नीचे का पार्ट कली का इस साइड से, अब हम उल्टी साइड रखेंगे। कमर इधर से निकालेंगे ऊपर की कली का साइड, और नीचे का इस साइड से, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर हम दूसरी कली कटिंग करेंगे, तो फिर इसके अपोजिट रखेंगे।
इस साइड रखेंगे घुमा के। तो इस तरह से हम अपनी सारी कलियां, देखिए इस तरह से हमने सारी कलियां कट कर ली हैं। तो ये हमारी सारी कलियां कट हो गई, हम इनको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कलियां सारी ज्वाइंट कर ली हैं। अब इस पे हमें लगाना है बॉर्डर, तो अब हम इस पे बुकरम का बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर के लिए इस तरह की आपको दो पट्टियां कट करनी होंगी। नेट के लिए 5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी कट की है, इस तरह आपको दो करनी होंगी। और ये मैंने बुकरम लिया है, इसको 4 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। देखिए आपने मुझसे पूछा भी था कई लोगों ने कि बुकरम कौन सा लगाते हैं, तो आप देख लीजिए मैंने ये वाला लगाती हूँ, आप कॉलर वाला भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने बॉर्डर लगा लिया है। तो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इसका फुल डिटेल में वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ कि किस तरह से आप नेट पे बॉर्डर को, बुकरम को लगाते हैं, तो आप वो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने ये बॉर्डर लगा के तैयार कर लिया है इस पे। अब हमें बॉर्डर पे लगाएंगे लेस को। तो ये मैंने ली है लेस गोल्डन वाली, तो इसको हमें नीचे की साइड लगाना है इस तरह रख के, और फिर इसके बाद हम ये रेड वाली लगाएंगे इस तरह से, और फिर से हम एक गोल्डन की लाइन फिर से बनाएंगे। तो ये गोल्डन वाली लेस है हमारी, तो इसको हम फिर यहाँ पे रख के इस तरह से लगाएंगे। तो तीनों लेस को हमें यहाँ से सिलाई लगा के, इन पे सिलाई लगा के हमें इस पे लहंगे पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लेस लगा के ये बॉर्डर तैयार कर लिया है, तीनों को इस तरह से लगा लिया है। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं, तो इससे हैवी बॉर्डर बन जाएगा। ये तीनों को मैंने इस तरह लगा लिया है। अब हम इस पे लाइनिंग लगाएंगे। तो लाइनिंग को मैंने अम्ब्रेला कट किया है, तो इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, बहुत सारी बार बता चुकी हूँ अम्ब्रेला की कटिंग। तो आप उस तरह से कट कर लीजिए, इसमें वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने नहीं बताया है। और इसको आप मेन फैब्रिक को इसको ऊपर रख के लाइनिंग के, और कमर से इसको ज्वाइंट कर देंगे। बस आपको लाइनिंग को मेन फैब्रिक जो हमारी लहंगा है उससे 1-2 इंच छोटा रखना है लंबाई में। अब हम दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, और ये हम इसके चारों पार्ट लेंगे इस तरह से, दोनों लाइनिंग के और दोनों मेन फैब्रिक के। और यहाँ से 7 इंच छोड़ के, 7 इंच हम ऊपर की तरफ से छोड़ देंगे चैन के लिए, और सिलाई को 1-1.5 इंच तक लॉक कर देंगे। देखिए 7 इंच यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, और यहाँ पे 1-1.5 इंच हमने सिलाई को लॉक कर दिया है। और फिर वहाँ से हमें दोनों को, मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को, अलग अलग सिलाई लगा के, साइड की सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें लगानी है चैन लहंगे में, बिल्कुल इजी तरीका है चैन लगाने का। आपको कपड़े को किनारी से फोल्ड करना है और चैन को इस तरह से खोलना है। देखिए इस तरह आप चैन को खोल लीजिए, और यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड कीजिए, और बस इसकी किनारी पे इस तरह रख के सिलाई लगा दीजिए। और इसी तरह से दूसरी साइड भी आप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने चेन लगा ली है लहंगे में। अब इस पे हम ऊपर की बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए ये देखिए 2 इंच की बेल्ट है हमारी, तो मैंने ये 5 इंच चौड़ी बेल्ट कट की है, और साइड की किनारियों को हमने ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो हमें इस तरह से पूरे लहंगे कमर पे इसको ज्वाइंट कर लेना है पहले, और फिर इसको सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे 1/2 इंच की सिलाई लगा के, और फिर 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करके हमें पीछे की तरफ से यहाँ से सिलाई लगा देनी है इस तरह। तो ये इस तरह से हमारी बेल्ट लग के तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने अभी लाइनिंग के फैब्रिक से लगाई थी बेल्ट को, अब मैं इसके ऊपर नेट का फैब्रिक लगाऊंगी। नेट के साथ लगाती तो सल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसमें,
तो इसलिए मैं ऊपर से लगाऊंगी नेट को। तो ये नेट की मैंने पट्टी कट कर ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर ली है अपनी बेल्ट की चौड़ाई से, और यहाँ फोल्ड करके इसकी किनारी को, और यहाँ से भी फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ से भी यहाँ पिंच, और इस पे सिलाई लगा के ज्वाइंट कर देंगे हम नेट को। देखिए इस तरह से, और यहाँ से भी फोल्ड करेंगे किनारे की तरफ से। यहाँ पे आप सुई से या कर सकते हैं सिलाई, अगर आपके मशीन से नहीं हो पा रही है, नहीं तो मशीन से भी कर सकते हैं किनारे से सिलाई। तो ये देखिए हमने बेल्ट इस पे नेट लगा लिया है ऊपर से, तो ये हमारी लहंगी की बेल्ट भी तैयार हो गई है। और इसमें हमने ये डोरी डाल दी है लहंगे पर, और बस ये वाली लेस मेरे पास सिर्फ इतनी ही बची थी गोल्डन वाली, तो मैंने इसमें लगा दी, क्योंकि इसको मैंने दुपट्टे में भी यूज किया है, लहंगे की चुन्नी में भी। उसका भी वीडियो मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप जाके वो वीडियो भी देखिएगा कैसे बनाई है मैंने। तो लहंगा आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।